टारगेट विथ अजय सर में आज है 16 मार्च। महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे पूरे वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, अब यह दर 12% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? हाल ही में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, अब यह दर 12% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 18%, ऑप्शन सी है 20%, या फिर ऑप्शन डी है 28%। आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 18%। पहले यह 12% था, अब यह बढ़ के 18% हो गया है। ठीक है, तो 18%। और जीएसटी की जो स्लैब होती है ना, वो 4 स्लैब है, 0, 0 से 5, फिर 12, फिर 18 और आखिरी 28% स्लैब। ये 5 स्लैब है जीएसटी की, जिसमें से पहले ये 12% था और अब ये बढ़कर 18% हो गया है। यानी कि 1 लाख रुपये पर अब आपको 6,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित वर्ग है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित वर्ग है 10 वर्ष तक के, 20 वर्ष तक के, 40 वर्ष तक से, 40 वर्ष से कम के, 40 वर्ष से कम के, या फिर डी है 80 वर्ष तक से, 80 वर्ष से अधिक तक के। ठीक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, 80 वर्ष से अधिक तक के। ठीक है, इसका आंसर कीजिए, किसमें से किस वर्ग को सबसे ज़्यादा हानि हुई है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है कोविड ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। यानी कि 80 वर्ष से लोग, 80 के आसपास जितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है, कंपेरिजन टू अदर जो स्लैब है इसके हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युवाओं में तो ये सबसे कम है, 0.6 के बराबर है लगभग ये, मतलब जो 30 तक के जो युवा हैं उनमें ये बहुत ही ज़्यादा कम है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से किसने इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से किसने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी है लेस्टर ने, ऑप्शन सी है सैनजोस ने, या फिर ऑप्शन डी है सान होजो ने। ऑप्शन, फटाफट आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। वही बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर कोरोना से प्रभावित द्वितीय देश कौन सा बन गया है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़कर कोरोना से प्रभावित द्वितीय देश कौन सा बन गया है? ठीक है, सर्वाधिक तो आपको पता ही है, सर्वाधिक है चाइना, सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं चाइना में, और उसके बाद से था दक्षिण कोरिया, लेकिन अब यह आसान हो गया है इटली का। ठीक है, अब ये लगभग 18,000 लोग इटली में पीड़ित हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में 12,000 के आसपास लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दक्षिण कोरिया ने अपने यहाँ इसको, इसके इंतजाम बात कर लिए हैं, अब वहाँ पे ये प्रभाव कम करने लगा है, जबकि कुछ कुछ देश जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा है। ठीक है, तो इटली यहाँ पे दूसरा स्थान पर पहुँच गया है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ईरान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय मदद मांगी है? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ईरान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय मदद मांगी है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक से, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन से, ऑप्शन सी है एशियन विकास बैंक से, या फिर ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। फटाफट आंसर कीजिए इसका। और इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। हाल ही में मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? हाल ही में मणिपुर, जम्मू कश्मीर जो यूटी है, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है वित्तीय आयोग, ऑप्शन बी है सहयोग आयोग, ऑप्शन सी है परिसीमन आयोग या फिर ऑप्शन डी है प्राथमिक आयोग। फटाफट कीजिए इसका आंसर, ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, परिसीमन आयोग गठित किया गया है, ताकि परिसीमन इसलिए किया जाता है ताकि सीटों का निर्धारण हो सके लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के, और इससे क्या होता है, इससे जनसंख्या की वास्तविकता और वहाँ के पिछड़ेपन का पता चलता है, जिससे वहाँ के विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो परिसीमन आयोग आज तक 3-4 बार हुआ है, 52-62 और 52-62 और अभी आपका 2002 में हुआ था, 4 बार। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका गठन हुआ है आपका, परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये 1952, ठीक है, 1962 और 1972 और सबसे आखिरी में हुआ है 2002 में। ठीक है, तो ये 4 बार परिसीमन आयोग गठित हुआ है, मैंने 72-62 के जगह 72 की जगह पे 82 बोल दिया था। ठीक है, 82। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। CSR पहल प्रगति, ठीक है, प्रगति को किस उद्देश्य से फेसबुक इंडिया द्वारा शुरू किया गया है? कल वाले क्वेश्चन में था, डायनामिक किया है मैंने बस। CSR पहल प्रगति को किस उद्देश्य से फेसबुक इंडिया द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है बाल श्रम को खत्म करना, ऑप्शन सी है कृषि सहयोग हेतु या फिर ऑप्शन डी है बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि कल इसका उत्तर मिला था आपको, क्वेश्चन घुमाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहल प्रगति की शुरुआत की गई है फेसबुक द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 13 मार्च 2020 को किस कश्मीरी नेता के ऊपर से निरोधात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है? 13 मार्च 2020 को किस कश्मीरी राजनेता के ऊपर से निरोधात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अली मोहम्मद सागर के ऊपर से, बी फारूक अब्दुल्ला या फिर सी सज्जाद लोन या फिर डी उमर अब्दुल्ला के ऊपर से। ठीक है, इन सारे नेताओं को जब कश्मीर से 370 हटाया गया था तभी इनके ऊपर से प्रतिबंध लगा दिए गए थे और इनको अपने ही घरों में या फिर किसी विशेष जगह पे इनको रखा गया था। ठीक है, इन्हें बाहर घूमने बोलने मीडिया से रूबरू होने की छूट नहीं थी और अभी भी काफ़ी नेता इसमें हैं। ठीक है, तो इसमें से एकमात्र नेता हैं जिनको अभी आज़ाद किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फारूक अब्दुल्ला को, पूर्व के वहाँ के सीएम ही रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला जी। ठीक है, तो इनको रिहा किया गया है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में तेल की कीमतों में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? हाल ही में तेल की कीमतों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 20% या फिर ऑप्शन डी है 40%। ठीक है, आपको भी पता है तेल कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है जब से कोरोना वायरस हुआ है। इवन भारत के प्रदेश में देखें तो खुदरा रेट में लगभग 6 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कमी आई है, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देने की वजह से हमारे ऊपर 3 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है और 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी के रूप में सरकार ले रही है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद द्वारा दिवालियापन से संबंधित किस विधेयक को पारित किया गया है? ठीक है, हाल ही में
संसद द्वारा दिवालियापन से संबंधित किस विधेयक को पारित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक 2020, ऑप्शन बी है दिवालियापन और परिसमापन संहिता 2020, सी है दिवालियापन नीलामी विधेयक 2000, या फिर ऑप्शन डी है नीलामी और तरलता विधेयक 2020। फटाफट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2020 को अभी पारित किया गया है संसद से, क्योंकि काफ़ी लोग तो पैसे लेके भाग रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा, तो इस वजह से ये कानून अभी हाल ही में पारित किया गया है संसद से। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने डिजिटल साक्षर अभियान मैं भी डिजिटल हूँ शुरू किया गया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं हूँ डिजिटल मैं भी हूँ डिजिटल शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है राजस्थान ने, ऑप्शन बी है केरल ने, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश ने, या फिर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश ने। फटाफट कीजिए इसका आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये शुरू किया है केरल ने। ठीक है, केरल ने मैं भी डिजिटल हूँ अभियान शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, हाल ही में आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, ऑप्शन ए है वुमेन क्रिकेट, ऑप्शन बी है 100% क्रिकेट, ऑप्शन सी है मैं हूँ क्रिकेट, या फिर ऑप्शन डी है क्रिकेट फॉर वुमेन। फटाफट कीजिए इसका आंसर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय महिला टीम लौटी है क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया T20 में ये हार का सामना करी है, और ऑस्ट्रेलिया रहा है आईसीसी 2020 का विजेता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 100% क्रिकेट। ठीक है, 100% क्रिकेट शुरू किया गया है आईसीसी महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है? ठीक है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी है राजस्थान ने, ऑप्शन सी है केरल ने, या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली ने। ठीक है, फटाफट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, तो हैप्पी आवर्स का मतलब कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक के समय में रिक्शा में से जो रिक्शा पे सवारी करेंगे उनको 50% छूट दिया जाएगा किराए में। ठीक है, तो ये हैप्पी आवर्स आपका होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार ने हैप्पी आवर्स के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। ठीक है, अब देखते हैं कल वाले क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब विकसित की है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस ने। ठीक है, रूस ने ये ट्यूब विकसित किया है, और कल के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, केंद्र द्वारा स्वीकृत 780 किलोमीटर हरित राजमार्ग किन राज्यों से संबंधित है? केंद्र द्वारा स्वीकृत 780 किलोमीटर हरित राजमार्ग किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो इसका आंसर देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, उत्तर आता है तो सही है, नहीं आता है तो वेट कीजिए कल के वीडियो का। कल के वीडियो में हम लाएंगे इसका आंसर और साथ में लाएंगे 14 प्रश्नों का संग्रह जो अति महत्वपूर्ण होंगे। आज के भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे। दोबारा आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।